नमस्कार, बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गाजर के बारे में। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं है। इसका उपयोग सब्जी के साथ सलाद, जूस, अचार, केक, हलवा आदि बनाने में किया जाता है। गाजर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम और आयरन जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि गाजर खाने से क्या लाभ होता है, तो हम आपको बता दें कि गाजर खाने से न सिर्फ शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि कई शारीरिक बीमारियों से भी बचाव होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गाजर खाने के ढेर सारे फायदे के बारे में बताऊंगी। बीटा कैरोटीन एक ऑर्गेनिक पिगमेंट होता है जो गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उम्र के कारण होने वाली आंखों की समस्या से आराम दिलाने में बीटा कैरोटीन लाभदायक होता है। वहीं विटामिन सी भी गाजर में पाया जाता है। बढ़ती उम्र के कारण मैक्युलर डिजनरेशन यानी नेत्र रोग जो अंधापन का कारण बन सकता है उससे भी आराम दिलाने में मददगार होता है। गाजर का सेवन हृदय के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित कर हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। यहाँ कच्चा और पका हुआ गाजर खाने के फायदे के साथ गाजर के जूस के भी फायदे देखे जा सकते हैं, क्योंकि गाजर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का प्रभाव बढ़ाता है और लिपिड पेरोक्सीडेशन यानी शरीर के लिपिड पर फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करता है, जिससे हृदय संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। गाजर कैंसर के खतरे को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है। गाजर में पॉलीएसिटिलीन व फालकैरिनोल जैसे तत्व भरपूर होते हैं जो एंटी कैंसर गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गाजर कैंसर कोशिकाओं को विकसित होने से रोकती है। गाजर फाइबर का अच्छा स्रोत है। गाजर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। इसकी मदद से भोजन अच्छी तरह पच जाता है। इसके लिए भोजन के साथ सलाद के रूप में गाजर का सेवन किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग का अहम कारण माना जाता है। अगर हृदय रोग से बचना है तो रक्तचाप को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है। यहाँ इसकी कार्यप्रणाली थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। गाजर नाइट्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। ये नाइट्रेट रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करता है जिससे उच्च रक्तचाप नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है और पोटेशियम को भी उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए प्रभावी बताया गया है। यूवी किरणें 80% तक चेहरे पर बढ़ती उम्र के लक्षण दिखने का कारण बन सकती है। इन लक्षणों में रूखी त्वचा, झुर्रियां, महीन रेखाएं, पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं शामिल हैं। यह जानकर हैरानी होगी कि गाजर में मौजूद बीटा कैरोटीन एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स और यूवी किरणों से बचाकर त्वचा को जवान बनाए रखने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन को इम्यून सिस्टम के लिए लाभकारी माना जाता है और गाजर का जूस बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है। इस कारण हर रोज एक गिलास गाजर का जूस पीने से इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। गाजर सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों में से एक है। इनमें फाइटोकेमिकल और कैरोटीनॉइड और पॉलीसेटेरल की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो गाजर की इम्यून मॉड्यूलेटरी एक्टिविटी का कारण बन सकते हैं। अगर कोई वजन कम करना चाहता है तो उसे अधिक सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कारण है कि सब्जियों में मौजूद फाइबर यह खाना धीरे पचाने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरे रहने का एहसास बनाए रखता है, जिससे व्यक्ति कम खाता है और उसे वजन कम करने में सहायता मिलती है। गाजर भी ऐसी ही एक सब्जी है जिसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और यह वजन घटाने में कुछ हद तक लाभदायक होता है। वहीं इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है जिस कारण इसे वजन कम करने की डाइट में शामिल किया जा सकता है। मधुमेह से ग्रसित व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपनी डाइट का ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसे में गाजर का उपयोग मधुमेह के घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। गाजर का जूस खून में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करने और इंसुलिन एवं एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके साथ गाजर को प्रेगनेंसी में मधुमेह नियंत्रित करने के लिए भी शामिल किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान गाजर का सेवन करने से कई तकलीफों को दूर किया जा सकता है। गाजर में फोलेट नामक एक विटामिन पाया जाता है जो खासकर गर्भ में पल रहे बच्चे और माँ के लिए लाभकारी होता है। गर्भावस्था के दौरान फोलेट लेने से बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की आशंका कम होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें बच्चे की रीढ़ और मस्तिष्क का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए गर्भवती महिलाएं गाजर का सेवन कर सकती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हम आशा करते हैं कि गाजर से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।